This place in Maharashtra is known to be the California of India. It's got unexplored beaches, lush greenery and rich history. Welcome to Ratnagiri. रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण डिवीजन का बहुत अहम हिस्सा है एंड इट इज एन एब्सोल्यूट पैराडाइज फॉर दोज इंटरेस्टेड इन द मरीन लाइफ सराउंडेड बाय शयात्रीज एंड द अरेबियन सी रत्नागिरी इज ब्लेस्ड विद हिल्स बीचेस रिवर्स वाटरफॉल्स एंड फॉरेस्ट Well, किसी भी बीच टाउन में रहने का असली मजा तब है when you have rooms facing the sea. So I am staying at one of the best properties in Ratnagiri, which is Kohinoor Samundra Beach Resort, जो भाटे बीच से सिर्फ एक मिनट दूर है. और this hotel is surrounded by lush greenery, coconut trees, and beautiful rooms with ocean views. इस रिजॉर्ट का बेस्ट पार्ट है यहाँ का 360 डिग्री इन्फिनिटी सी फेसिंग रेस्टोरेंट वेयर यू कैन रिलिश सम डिलीशियस फूड अलोंग विद द व्यू ऑफ भाटे बीच इट इज 1.5 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ स्ट्रेट क्लियर बीच विद फ्लैट सी शार्स भाटे बीच इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड एंड सीरीन बीचेस इन रत्नागिरी Well, after that wonderful meal, I want to know what more does this city have to offer other than its gorgeous beaches. So, chalo, shuru karte hain and find out what Ratnagiri is all about. रत्नागिरी की खासियत जानी जाती है सिंस द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पीरियड बिकॉज दिस वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ आर आइकॉनिक लीडर लोकमान्य तिलक वॉज बॉर्न इन द ईयर 1856 इनफैक्ट मैं उनके घर के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ जहाँ वो 10 साल तक रहे थे यू वोंट बिलीव इट बट इवन टुडे ऑल ऑफ रत्नागिरी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे बड़े धूमधाम से लोकमान्य तिलक के घर के पास ही एक बहुत ही सुंदर और एंशियंट मंदिर है जिसका नाम है पतित पावन मंदिर ये बिल्ट हुआ था इन 1930s और इस मंदिर का सिर्फ एक ही मतलब है दैट गॉड इज फॉर एवरीवन बी इट एनी इंडिविजुअल क्लास और सोसाइटी Well, अगर आपको रत्नागिरी का बेस्ट व्यू देखना है there can't be a better spot than Ratnadurg Fort. This fort was built in the 16th century and ये यहाँ का सबसे famous spot है In fact, अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो this fort actually holds a lot of importance. It signifies victory and strength, so it could withhold the strong waves of the Arabian Sea. The Ratnagiri Fort was once the pride of Maratha Empire but was later taken over by the Mughals and apparently this fort is structured in the shape of a horseshoe. Agar aap yahan shaam ke time aate ho, you will get amazing view of the sunset surrounded by three sides of the Arabian Sea and I cannot miss out on the opportunity to take some time and enjoy the calmness and clashing waves on the rocks. महाराष्ट्र की और भी खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर एंड ऑल्सो रिमेम्बर टू फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया रत्नागिरी का द थिब्बा पैलेस म्यूजियम बिल्ट हुआ था टू कीप द लास्ट किंग ऑफ बर्मा अंडर अरेस्ट बाय द ब्रिटिश यहाँ का आर्किटेक्चर बेयर्स अ रिमार्केबल सिग्निफिकेंस टू द बर्मीज कल्चर रत्नागिरी की एक और प्राइम स्पिरिचुअल जगह है स्वामी स्वरूपानंद का आश्रम जो है पावस विलेज में ये मंदिर रत्नागिरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलग्रिमेज साइट है एज दिस मंदिर वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ श्री स्वामी स्वरूपानंद हु टुक अ समाधि हियर ऑन 15th अगस्त 1974 ये टेंपल बहुत ही खूबसूरत है एंड यू विल हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन एंड पीस एज सून एज यू एंटर द टेंपल प्रीमाइसेस
Aare and Vaare are two separate beaches that are secluded and mostly untouched. ये एक परफेक्ट जगह है जहां आप आकर आइसोलेट कर सकते हैं और इन बीच वेव्स को एंजॉय कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स फॉर विजिटर्स। बीचेस ट्रूली मेक मी वेरी हैप्पी और आई थिंक किसी भी बीच डेस्टिनेशन पे आने का हाईलाइट यहाँ का सनसेट एंजॉय करना होता है। सो आई हैव कम टू Aare Vaare बीच, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक बीचेस ऑफ रत्नागिरी, surrounded by greenery and lush suru trees. Aare beach par sunset enjoy karne ke baad I have now come to Mandvi beach, which is actually a black sand beach but seems to be very popular amongst tourists as well as locals. कई सारे लोग आए हैं यहाँ पर टू सेलिब्रेट देयर इवनिंग और हैव अ मिनी पिकनिक। एक्चुअली मांडवी इज ऑल्सो नोन टू बी द गेटवे टू रत्नागिरी। इट सीम्स लाइक अ रियली बिजी स्पॉट, पर अब मुझे बड़ी भूख लगी है सारा दिन घूमकर, एंड आई कैन सी अ रियली नाइस रेस्टोरेंट हियर कॉल्ड मसाला किचन, जहाँ मैं ऑथेंटिक फिश थाली खाने वाली हूँ। This food is so good. Konkan region mein aake, one thing that you must try is the seafood. So ye jo fish thali hai, it's actually called the papalet thali. Isme ek big king size pomfret hai, matlab itni badi fish maine nahi dekhi hai. Uske alawa there are lots of other dishes. There is fish curry, there is tikla, there is sole curry, there is prawn curry, there is very interesting prawn pickle chutney. Interesting combination with the fish is the bhakri and a portion of rice. I am loving this. Maza aa gaya. Well, after that long day of exploration and that heavy meal, all I need is a good night's sleep. But ek aur cheez hai Ratnagiri mein jo aapko zarur karni chahiye, wo hai bahut sara aaram. रत्नागिरी की खूबसूरत बीचेस, टेंपल्स और हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त आ चुका है घर लौटने का। वैसे मुंबई से रत्नागिरी रोड ट्रिप में लग जाते हैं 12 से 14 घंटे, बट इफ यू विश टू कट योर जर्नी टाइम टू हाफ, डेफिनेटली ऑप्ट इन फॉर अ ट्रेन जर्नी। Well, with that, my beautiful trip to Ratnagiri comes to an end. I hope you enjoyed watching this video. मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एक नई जगह एक्सप्लोर करने। अब मैं आई तो थी रोड से, पर जा रही हूँ ट्रेन से। See you soon in my next video on Curly Tales. It's me, Kamya Jani, signing off. Bye!